गुड मॉर्निंग क्लास, आज चैप्टर 11 की वर्ड मीनिंग एंड क्वेश्चन आंसर लिखाना है। नेक्स्ट वीक रिवीजन है, ये सब जानते हो आप, ठीक है। चैप्टर 11 हमारा है लास्ट चैप्टर। द मर्चेंट ऑफ वेनिस ठीक है। सबसे पहले वर्ड मीनिंग से स्टार्ट करेंगे, एज यू नो ऑल ऑफ यू। सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम वर्ड मीनिंग। ओके, देखिए वर्ड मीनिंग फर्स्ट वर्ड इज ओस, ओ डब्ल्यू ई एस, ठीक है। ओ डब्ल्यू एस, ओस मीन्स हैव अ डेप्थ, डेप्थ रीड होना, हैव अ डेप्थ, ठीक है। हमारा फर्स्ट वर्ड है हैव अ डेप्थ। सेकंड वर्ड हो, नेक्स्ट वीक में सभी का प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है, बिकॉज रिवीजन चलेगा, बाकी आपकी इच्छा है। इंसिस्ट, आई एन एस आई एस टी एस, इंसिस्ट मतलब किसी पे जोर या दबाव बनाना, डिमांड करना जिसकी, डिमांड्स, ठीक है। किसी को किसी चीज के लिए प्रेशराइज करना, इंसिस्ट करना, फर्स्ट वर्ड। ओ मैंने स्मॉल बना लिया, आप कैपिटल बना लेना। नेक्स्ट ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन मतलब हमारे कर्तव्य क्या है, ड्यूटी क्या है। ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन मीन्स हो जाएगा ड्यूटी, ठीक है, कर्तव्य। फिर नेक्स्ट है हायरस, एच ई आई आर ई डबल एस, हायरस मीन्स सक्सेसर, सक्सेसर। फिर हेस्ट मीन्स हरी, हेस्ट हरी, एच यू डबल आर वाई, ठीक है। हेस्ट मतलब क्या हो जाएगा, हरी। नेक्स्ट है ब्लेस्ड, बी एल ई एस टी, ब्लेस्ड मीन्स वरदान, ब्लेस्ड, ठीक है। इतनी लिख लीजिए, फिर आगे की वर्ड मीनिंग्स लिखते हैं। आर्यन पढ़ रहे हैं, स्नेहा और योगिता, ये लिख लीजिए तो बताइए, फिर आगे की वर्ड मीनिंग्स लिखते हैं। रिटन एवरीवन, क्लास सेवन स्टूडेंट्स हैव यू रिटन। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग पे आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे वर्ड मीनिंग उस पे आते हैं, आई एम गोइंग टू रेज दिस, ये लिख ही चुके होंगे आप सब, ठीक है। क्वेश्चन आंसर भी इसमें लिखने हैं, वर्ड मीनिंग कंप्लीट हो गया तो क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करें। आगे के जो है प्लस की वर्ड डेथ, डी ओ टी एच, डेथ मीन्स डस, किसी का चीज को करना, ये हमारा सेवेंथ है। रेंडर मीन्स डिलीवर, रेंडर, एलियन मींस, एलियन आप जानते हो, एक जो, ठीक है, ऐसा प्राणी जो कहीं और को बिलोंग करता है, एलियन, ए एन आई ई एन, वन किसी दूसरे देश, किसी दूसरे दुनिया को बिलोंग कर देना, वन बिलोंगिंग टू, वन बिलोंगिंग टू अनदर कंट्री, भी कह सकते हो, वर्ल्ड भी कह सकते हो। एक दूसरे देश को बिलोंग करने वाले पर्सन को हम एलियन कह सकते हैं, दूसरे वर्ल्ड को बिलोंग करने वाले पर्सन को हम एलियन कह सकते हैं। कास्केट, कास्केट 10 वर्ड है ये। कास्केट मीन्स होता है एक ऑर्नामेंटल बॉक्स जिसमें आभूषण रखे जाते हैं, छोटा सा एक बॉक्स टाइप का होता है, ठीक है। तो अ स्मॉल, अ स्मॉल एक छोटा सा ऑर्नामेंटल जिसमें ऑर्नामेंट्स रखे जाते हैं, ऑर्नामेंटल, ऑर्नामेंटल बॉक्स। तो हमारी वर्ड मीनिंग यहाँ पे कंप्लीट होती है, लिख लीजिए फिर क्वेश्चन आंसर पे आए हम, हो जाए तो बता दीजिए, बिकॉज 5 क्वेश्चन आंसर भी कराने हैं, जो कि आज ही हो जाए तो बेटर है। पीयूष, आर्यन,
योगिता सर ने लिख लिया है। ओके नाउ आई एम गोइंग टू रेज दिस। हम क्वेश्चन आंसर पे आ जाएंगे। चलिए क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फ्रॉम होम डिप, सबसे पहले तो लिख लीजिए आंसर द फॉलोइंग। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें जो पहला आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर वन, फ्रॉम होम डिड बेसानियो, फ्रॉम होम डिड बेसानियो, बेसानियो इसमें एक कैरेक्टर है, ठीक है। बोरो मनी, मतलब वैसे नहीं हो किसी से मनी उधार लेता है, इससे तो आपको समझ में आ ही होगा, जब स्टोरी पढ़ोगे तो और अच्छे समझ आएगा। फ्रॉम होम डिड बेसानियो बोरो मनी एंड कितने रुपए उधार लेता है, हाउ मच वॉज बोरो एंड हाउ मच वॉज बोरो, कितना जन वो उधार लेता है, हाउ मच वॉज बोरो। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब हम आंसर लिखने जा रहे हैं, कंसंट्रेट अपनी बन। देखिए आंसर नंबर वन, वैसे बेसानियो बेसानियो बोरोड मनी फ्रॉम शाइलॉक, borrowed money from Shylock, Shylock से लेता है जो कि एक बहुत बड़ा व्यापारी होता है, from Shylock a rich, एक बहुत ही धनी, a rich Jewish, ठीक है, यहूदी होता है वो, Jewish money lender, money lender कौन होते हैं जो रुपए उधार देते हैं, money lender, money lender, he borrowed 3000, वो कितने रुपए लेता है, he borrowed 3000 ducats, कितने रुपए उधार लेता है, ये तो पूछे, he borrowed 3000, ठीक है, 3000 ducats for 3 months, 3 महीनों के, ठीक है, 3000 ducats for 3 months। तो हमारा पहला आंसर कंप्लीट होता है। फिर क्वेश्चन नंबर टू पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर टू है, हु वाज शाइलॉक, शाइलॉक कौन था, हु वाज, इसका आंसर तो आपको ऊपर भी मिल गया होगा, हु वाज शाइलॉक, ठीक है। होम डिड ही सीक्रेटली हिट, वो किससे, ठीक है, होम डिड मतलब रहस्यमय रूप से वो किससे नफरत करता था, सीक्रेटली, ठीक है, वो किससे सीक्रेटली नफरत करता था, होम डिड ही सीक्रेटली हिट। दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन ऑफ योर बुक, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब इसका आंसर लिखाएंगे हम, बट योगिता जैसे डकेट्स, डी यू सी ए टी एस, डकेट्स जैसे हमारे यहाँ रुपीज होते हैं, पाउंड होता है, डॉलर होता है, वैसे 3000 डकेट्स ये, ठीक है, मनी को ही कहते हैं, समझ गए आप, ठीक है। किसी करेंसी का क्या नेम होता है, करेंसी का नेम हर कंट्री में अलग होता है ना, तो करेंसी नेम है डकेट्स, ठीक है। आंसर नंबर टू देखिए, शाइलॉक, करेंसी नेम आप जीके में पढ़ते होंगे, तो करेंसी का नेम है, शाइलॉक वाज़ अ रिच
Jewish, इतना तो ऊपर लिखा ही था, शायद आप नाम था Jewish money lender, जो लोगों को उधार रुपया देता था, और वो किससे नफरत करता था secretly, he secretly hated, इसको किससे नफरत करता था, hated Antonio, किससे नफरत करता था, एंटोनियो से ये नफरत करता, ठीक है। तो ये लिख लीजिए, फिर हम आगे के तीन क्वेश्चंस बच्चे उसको भी करा देंगे। ये हो जाए तो बता दीजिएगा। योगिता, आर्यन, पीयूष, जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, हो जाए तो बता दीजिए। कंप्लीटेड, ठीक है। आगे के थ्री क्वेश्चंस कराते हैं। आज के बाद हमारा लिटरेचर में रिटन वर्क यहाँ नहीं होगा, सिर्फ एक्सप्लेनेशन होगा, उसके बाद हमारी ग्रामर चलेगी, ठीक है। लिटरेचर का तो वर्क हो ही जाएगा, एक्सरसाइज करा देंगे। फिलहाल नेक्स्ट वीक तो कुछ आगे का कराना नहीं, रिवीजन चलेगा। तो हम ये फर्स्ट और सेकेंड इरेज कर रहे हैं, फिर आगे थर्ड फोर्थ, ठीक है, फिर फिफ्थ रह जाएगा, वो भी लिख देंगे। बस रिटन वर्क हमारा कंप्लीट है, और एक्सप्लेनेशन में भी नाइन तक तो मैंने एक्सप्लेन ही कर दिया, केवल दो चैप्टर एक्सप्लेन करने को रह गया आपके यहाँ, 10 and 11। सेकेंड इरेज कर दे, सेकेंड भी कर रहे हैं इरेज, थर्ड फोर्थ लिखना स्टार्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री। विच कास्केट डिड, विच कास्केट डिड वेसेनियो चूज एंड व्हाट डिड इट कंटेन, और उसमें क्या था, व्हाट डिड इट कंटेन, ठीक है। हमारा प्रश्न है कि बेसेनियो है, वहां पे थ्री कास्केट थे, तो उसमें से किस कास्केट को चुना था, जो ऑर्नामेंटल बॉक्स है, और उसमें क्या था, तो देखिए आंसर नंबर थ्री, बेसेनियो हैड चोजन, हैड चोजन द लेड कास्केट, जो लेड की कास्केट थी, ठीक है, धातु का ही नाम है, आप फिजिक्स में या साइंस से पढ़ते हो, लेड कास्केट, एंड इट कंटेन पोर्शिया, एंड इट कंटेन, ठीक है, वेट वन मिनट, एक मिनट रुक जाइएगा सर। Porcias and it contained Porcias portrait. इसमें एक वर्ड आपका छूटा होगा, वो लिख लीजिएगा, Porcias portrait, ये वर्ड बनवा लीजिएगा, Porcia की portrait थी उसमें, ठीक है, Porcias portrait लिखना है आपको, Porcia केवल नहीं लिखना है, वही हम चेक कर रहे थे, ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि जो ये पोर्शिया की पोर्ट्रेट वाली बॉक्स चुनता वही विनर होता, हमने सिर्फ पोर्शिया भेज दिया था, पोर्ट्रेट बढ़ा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फोर लिखाते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर, थर्ड में पोर्शियास के आगे आप पोर्ट्रेट सभी बच्चे अपनी बॉक्स में बढ़ा लेंगे। क्वेश्चन नंबर फोर है, व्हाट डिड पोर्शिया, what did Portia offer Shylock, offer Shylock in court, Shylock
import and how did she save Antonio? And और उसने एंटोनियो को कैसे बचाया? How did she save Antonio? उसने एंटोनियो को कैसे बचाया? देखिए जब आप पूरी स्टोरी पढ़ोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। पोर्शिया के आगे आ रहे हैं और सभी बच्चे पोर्ट्रेट बनवा लेंगे, ठीक है? आंसर नंबर 4। हमसे भी पोर्ट्रेट छूट गया था तो आप लिख लीजिएगा। पोर्शिया ऑफर्ड शैलॉक 3 times का मनी, 3 गुना मनी उसने ऑफर किया। 3 times द मनी, ठीक है? लेंथ मनी लेंथ एंड शी सेव एंटोनियो एंड शी शेव एंटोनियो शेव एंटोनियो वाई बॉब ने वाई वार्निंग शैलॉक, उसने शैलॉक को वार्निंग दी। जब आप पूरी स्टोरी पढ़ोगे तो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है? क्या वार्निंग दी? दैट ही कुड टेक अ दैट ही कुड टेक अ ही कुड टेक अ पाउंड पाउंड ऑफ Antonio's flesh, Antonio's flesh, but not a single drop of blood. But लेकिन एक भी खून का खतरा नीचे नहीं रहना चाहिए। But not a single drop, ठीक है? But not a single drop of blood. तो हमारा आंसर नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट होता है। वो ये शर्त रख देते क्योंकि जब उसने उधार लिया था, ठीक है, एंटोनियो ने, तो वो जो शैलॉक था उसने एक बॉन्ड साइन करा था। बॉन्ड में ये लिखा था कि अगर वो समय से रुपए नहीं दे पाता है तो उसको अपना एक मांस का टुकड़ा अ पाउंड ऑफ फ्लैश देना होगा, ठीक है? तो जो पोर्शिया थी वो एंटोनियो को बचाने के लिए वो खुद लॉयर बनती जाती है और शैलॉक के सामने एक शर्त रख देती है कि वो मांस का टुकड़ा तो ले सकता है लेकिन एक भी गुण ब्लड नीचे नहीं गिरना चाहिए। तो क्या ऐसा पॉसिबल था? नहीं, तो वो लेता, ठीक है? तो उसको बहुत कुछ हारना पड़ता। और दूसरी चीज ये है कि देखिए उसने पहले शैलॉक को ऑफर किया था कि वो 3 गुना मनी ले ले, लेकिन उसने नहीं तैयार की, वो तैयार नहीं हुआ, ठीक है? वो अड़ा रहा कि उसे फ्लैश ही चाहिए, तो उसने ठीक है शर्त रख दी कि ठीक है आप फ्लैश लो लेकिन एक भी खून का कतरा नीचे नहीं गिरना चाहिए। ये हो जाए तो बताइए लास्ट वाला भी आंसर लिख दे। बागन, ये सब हो जाए तो बताइए। योगिता, पीयूष, जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, 3rd and 4th आंसर अगर आपका हो गया हो, ठीक है, पोर्शियास पोर्ट्रेट बढ़ा लेना, बाकी पूरा आंसर मैच कर लीजिए तो हम 5th वाला लिख दें। 5th लिखने जा रहे हैं। ये हो गया सभी का? आर्यन, योगिता, पीयूष, स्वयं, ये सब लिख चुके हो आप? Now I'm going to erase this. Last हमारा रह गया है question number 5। Last question लिखने जा रहे हैं। What happened at the end of the trial? The trial end हुआ कोर्ट में, जैसे ट्रायल चलती है, ठीक है? बॉट वेट वन मिनट, व्हाट हैपेंड एट दी
एंड ऑफ द ट्रायल, जब कोर्ट सेशन जो चल रहा होता है वो एंड हो जाता है तो क्या होता है देखिए। तो इसके आगे इसका आंसर लिख दे रहे हैं, आंसर नंबर 5, एट द एंड ऑफ द ट्रायल, एट द एंड ऑफ द ट्रायल एंटोनियो इज गिवन, एंटोनियो इज गिवन हाफ ऑफ, एंटोनियो को शाइलॉक की आधी मनी मिल जाती है, आधा जो धन होता है, इज गिवन हाफ, ठीक है, एंटोनियो इज गिवन हाफ ऑफ शाइलॉक्स क्योंकि उसने जो शर्त रखी थी वो हार जाता है, ठीक है, एंड द रेस्ट ऑफ इट टू द स्टेट, और बाकी राज्य को दे दिया जाता है, एंड द, और जो बाकी उसकी धन संपत्ति थी वो स्टेट को सौंप दिया जाता है, एंड द रेस्ट ऑफ इट, जो बाकी बस्ती है उसकी संपत्ति उसको दे दिया जाता है स्टेट को, राज्य को, सरकार को, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, नेक्स्ट वीक आपका रिविजन का है, बाकी इसको कंप्लीट कर लीजिए। आंसर नंबर 5 भी आपका कंप्लीट हो गया है, इज दैट क्लियर, इसको आप लिख लीजिए। बाकी मेरी फिर से रिक्वेस्ट है कि नेक्स्ट वीक में सभी बच्चे, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में क्लास करें। कि आपको अगर कोई कंफ्यूजन हो, कुछ पूछना हो तो आप पूछ सको, पेपर से रिलेटेड जो भी रिवीजन होगा वो कराया जाएगा आगे नेक्स्ट वीक में, ठीक है। तो अब आपका चैप्टर 11 तक यानी इंग्लिश फर्स्ट का कोर्स कंप्लीट हो गया है, पोएम 6 है वो, वन बाय वन हम धीरे धीरे एक्सप्लेन कर देंगे, अब सिर्फ एक्सप्लेनेशन ही बचा है। तो अब चैप्टर एक्सप्लेन करने के बाद एक एक जो पोएम है उसकी भी एक्सप्लेनेशन दे देंगे, बीच बीच में कभी कभी एक्सप्लेन कर दिया, तो हम ग्रामर में टेस्ट कंप्लीट ही हो गया, एक्टिव पैसिव चलना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एससी लेटर एप्लीकेशन तो यहाँ कराना नहीं, वो तो आप लिख ही लोगे अपने फ्रेंड से लेकर के, और बाकी आपका ग्रामर पोर्शन ही ज्यादातर चलता रहेगा। सब कुछ क्लियर हो गया, बाकी नेक्स्ट वीक में क्लास जरूर करिएगा, जिससे कि आपकी जो भी कंफ्यूजन हो वो क्लियर हो सके, ठीक है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। और पहले तो रिवीजन करने का मतलब है कि आज सैटरडे और कल संडे है, 16 को ही आपका इंग्लिश का पेपर है, तो जब रिवीजन वीक है तो आपको इंग्लिश में 5 चैप्टर 2 पोएम ये सब पढ़ लीजिएगा अच्छे से। यस बेटा पोएम आएंगी, अगर 4 लाइन से हम लिखने को देंगे, हम कितनी बार बताना है, अगर 4 लाइन आपने पोएम की लिखी है, ठीक है, तो हम एग्जाम्पल भी आपको बताएंगे कैसे लिखना है, पोएम नेम 4 लाइन पोएम लिखोगे रिवीजन में, ये सब करेंगे फिर पोएट ने, ठीक है, उसी तरीके से आपको पेपर में करना होगा, एक पोएम हम लिख करके यहाँ बता देंगे कि आपको कैसे लिखना है। इसीलिए रिवीजन वीक वाले में आप सभी को क्लास अटेंड करना, बल्कि अपने सभी फ्रेंड से कहिएगा कि क्लास ज्यादा से ज्यादा बच्चे अटेंड करें, जो भी आपके कॉन्टेक्ट में उन सबको कहिए, क्योंकि रिविजन करने में कोई बुराई नहीं, नुकसान नहीं, बेनिफिट आपका ही है। ओके क्लास, पोएम तो श्योर है कि आएगी बुक से रिलेटेड, बाकी और कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हो, एनी क्वेश्चंस टू ऑल ऑफ यू, किसी को कोई क्वेश्चंस पूछने हैं, इफ यू वांट टू आस्क देन यू कैन आस्क। बाकी आज की आपकी क्लास यहीं कंप्लीट होती है, इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन देन यू कैन आस्क। ओके क्लास, थैंक यू, फिर मंडे को मिलते हैं रिविजन वीक के साथ, रिविजन होगा आप सभी का।